मदीनो 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 मदीना मदीनो 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 मदीना के बस्मे मीलाद सजा देने का डरने का नहीं, जलने वाले को जला देने का डरने का नहीं। जरा लबों पे जुम्बिश लाया फिरा है कि नहीं। एक शेर है शायरे हिंदुस्तान हजरत शकील आरफी साहब का कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बयत नहीं मिली। इसी तनाजुर में चार शेर पर चार मिसरे आप हजरत के हवाले करता हूँ मैं। देखिए शायरे हिंदुस्तान हजरत जैनुल आबिदीन साहब की बोला कि दौलत का तुझको शौक था दौलत नहीं मिली। ऊंचा भाई के दौलत का तुझको शौक था दौलत नहीं मिली। रुस्वाई हाथ आ गई इज्जत नहीं मिली। इससे बड़ी शिकस्त तेरी होगी क्या यजीद, तुझको मेरे हुसैन की बयत नहीं मिली। हाँ इससे बड़ी शिकस्त तेरी होगी क्या यजीद, तुझको मेरे हुसैन की बयत नहीं मिली। और आप बिला ताखीर तशरीफ ला रहे हैं शहंशाह अकबर शायर हिंदुस्तान हजरत जैनुल आबिदीन कानपुरी साहब का तशरीफ ला रहे हैं। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं मैं आप हजरात से बड़ी अदब इत्राम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात आगे चले आए हैं कि नहीं। मैं नारा लगा रहा हूं, नारे का जवाब देते हुए आगे चले आए। नारा तकबीर चले आइए भाईजान, आखिर वक्त है कि नहीं। ये हमारे मेहमान शायर हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, क्या तासुर लेकर जाएंगे यहाँ से, है कि नहीं। अब मैं आप हजरात से बड़ी अदब इत्राम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ के लोग दानिशमंद किस्म के अफराद हैं, इशारे की जुबानों को अच्छी तरह समझा करते हैं, है कि नहीं। चले आइए एक शेर पढ़ता हूँ मैं कि नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब की कदमों की खाक को अपने सर का ताज बनाते हुए अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब की बला कि नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। हमारे घर में कोई बेजुबान थोड़ी है, हमारे घर में कोई बेजुबान थोड़ी है। तैयारे ख्वाजा है कलियर है देगली है, दयारे ख्वाजा है कलियर है देगली है। बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है, हाँ बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। आइए हजरत का इस्तेमाल करते नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर नारे रिसाल मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सरकाही चिश्तिया जगिया कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर के तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे, तासुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे। छत तो छत है वो तो पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। और यकीन पुख्ता नहीं रहा जिनका माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। और रजा की शायरी पर चले हैं तफसरा करने के जिनके हाथ भी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। जब करबला हुसैन का देखिए जितने शेर करबला के ताल्लुक से पढ़ूं ना अल्हम्दुलिल्लाह इसी से हमारी पहचान है, यहां भी पहचान है वहां भी पहचान है। जब करबला हुसैन का असगर निकल गया, जब करबला हुसैन का असगर निकल गया, जब करबला हुसैन का एक बात बताऊं, एक मिसरा आया था कि लकड़ी को मेरे आका ने खंजर बना दिया, ये मिसरा था। तो हजरत एक मिसरा जो है, हाँ एक शेर मैंने उसमें निकाला था, उस मुशायरे में मैं गया नहीं था लेकिन बस एक इसे बात चली दोस्तों में, तो उसमें एक शेर निकाला था, तादाद हो रही थी इकहत्तर शहीद की, तादाद हो रही थी इकहत्तर शहीद की, असगर को पेश करके बहत्तर बना दिया। मोहब्बत से कहें हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा हाजिर कर रहा हूँ, इसको रोइन दो वो समझ लेंगे हमारी। सुने जब करबला हुसैन का
असगर निकल गया। जब करबला खुदा की कसम बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ, बहुत दिल से पढ़ रहा हूँ, बहुत दिल से। पांच छह रातें बराबर जागने के बाद कहीं ऐसा नहीं होता कि दो घंटे तीन घंटे से कम ना पढ़ूं। सुने, जब करबला हुसैन का असगर निकल गया, इस्लाम की हयात का नक्शा बदल गया। इस्लाम की हयात का नक्शा बदल गया। जरा बुलंद आवाज से नकीबे अहले सुन्नत से मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत अच्छे शेर ये जो है निजामत के जरिए आपकी समातों के हवाले करते हैं। देखिए, एक शेर मैंने कुछ थोड़ा सा जो है अलग अंदाज में कहा है, सुने मुलाहिजा करें। इस तरीके का भी शेर जो है मतलब हमारे कानों तक के नहीं आया। सुने सुने दो दो लोग हैं, हजरत नन्हे असगर और फुरमुला। एक तीर चला रहा है, एक मुस्कुरा रहा है। सुने सुने इस मंजर को रखा है। जब करबला हुसैन का असगर निकल गया, इस्लाम की हयात का नक्शा बदल गया। सुने, और फिर वहां जमीने करबला गवाह है, क्या कहती है? तुम तीर मार कर भी गिरे उठ नहीं सके। शेर सुनो, तुम तीर मार कर भी गिरे उठ नहीं सके। असगर तो तीर खा के भी फौरन संभल गया। असगर तो तीर असगर तो तीर खाक भी फौरन संभल गया। मुहावरे में एक बात ये भी होती कि जब अपना कोई साथी दूसरे की तरफ चला जाए तो मुहावरे में, अरे यार वो उधर फिसल गया, है ना, तकलीफ होती है। अब सुने क्या कहता है। बोला यजीद अब तो मेरी हार हो गई। बोला यजीद, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। मैं लफ्ज बहुत आसान, बड़े आसान लफ्जों में शायरी करता हूँ, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा नयापन करने की कोशिश करता हूँ। सुने, बोला यजीद अब तो मेरी हार हो गई। हुर नशे करे हुसैन की जानिब फिसल गया। हुर लश्करे हुसैन की जानिब फिसल गया। ये शेर कम समझ में आया, थोड़ा सा तारीख थोड़ा सा जब दोहराएंगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ जाएंगे। हाजिर कर रहा हूँ मुलाहिजा करें। अब एक शेर हाजिर कर रहा हूँ मुलाहिजा करें। ऐसी नमाज जो बनी इस बात की गवाह। ऐसी नमाज जो बनी इस बात की गवाह।
मेहनत नहीं करूंगा इस शेर पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मेहनत से बहुत चिल्ला चीख के शेर पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत धीरे से सुभान अल्लाह कहते हैं। आज मैं अपोजिट देखना चाहता हूँ कि मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा, आप कितनी जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे। सुने, ऐसी नमाज जो बनी इस बात की गवाह, सबरे हुसैन सबरे हुसैन जुल्म को जिंदा निकल गया, सबरे हुसैन जुल्म को जिंदा निकल गया। कान खोल के शेर सुनो, ज़ैनुल आबदीन कानपुरी एक शेर पढ़ रहा है। खुदा की कसम यकीन मानिए, इंशाअल्लाह ताला दिल गुर्दा कलेजी सब इस शेर में मैं पेश कर दूंगा। सुने, हाजिर कर रहा हूं। बच्चों को पलते देखा है माओ की गोद में, बच्चों को पलते देखा है माओ की गोद में, जहरा तुम्हारी गोद में इस्लाम पल गया, जहरा तुम्हारी